नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल। हाल ही में मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स नाम की जो अपनी एसयूवी है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो कि रेनॉल्ट काइगर मैग्नाइट वगैरह से और टाटा पंच से अपने कंपटीशन में उतर आई है, अपने कंपटीशन से बहुत घमासान युद्ध करने के लिए। बट उसका जो मेजर फैक्टर ये है कि वो जो है वो बलिनो के प्लेटफॉर्म पे बनी है। अब बलिनो के प्लेटफॉर्म पे बनी यानी कि बलिनो के जो कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्टांस हैं, जो डायमेंशंस हैं, वो डेफिनेटली अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो आज यही देखते हैं इस वीडियो में कि अगर आप लोग बलिनो का परचेस करने का सोच रहे थे और ये फ्रॉन्क्स अब मार्केट में आ गई है, तो क्या आपके लिए फ्रॉन्क्स लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है या अभी भी आपको बलिनो लेनी चाहिए। ये बलिनो और ब्रेजा के बीच में इसको रखा है क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा टाटा पंच ने एकदम रूल कर रखा था और अब तो सुनने में आ रहा टाटा पंच में आपको सनरूफ भी मिल जाएगी और साथ में इसमें सीएनजी भी निकल गई है। अब मार्केट लगती है और आगे से जो डिज़ाइन है वो ग्रैंड विटारा की फील देता है, तो लगती है कि बड़ी सी है जबकि है वो बलिनो के प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं आपकी साइज़ की बात करूं तो बलिनो जो लेंथ में आती है 3990 आती है, वहीं बात करूं मैं आपकी फ्रॉन्क्स की तो 3995, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और मैं अगर व्हील बेस की बात करूं तो 2520 mm का व्हील बेस है जो कि सेम है। तो यानी कि आपको, मुझे नहीं लगता कि जो आपको बैठने में कंफर्ट वगैरह में कुछ भी डिफरेंस होगा। हाँ, एक चीज़ है, विथ जो है वो शायद 20 mm 1465 है फ्रॉन्क्स में, तो वो लगभग उसमें 1440 है बलिनो में, तो ये डिफरेंस है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बलिनो से अगर पीछे जो तीन लोगों को बैठने में दिक्कत होती थी बलिनो में, जो कि मुझे लगता नहीं होती थी, और आसानी से बैठ जाएंगे फ्रॉन्क्स में, बस इतना डिफरेंस आया। बट मुझे पता नहीं कैसी इंजीनियरिंग है, जब आपने हल्की सी लेंथ बढ़ाई है तो कैसे आपकी पीछे की बूट स्पेस कम हो गई। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो बलिनो में 318 लीटर का बूट स्पेस आता है, वहीं बात करूं फ्रॉन्क्स में तो केवल 308 लीटर का आता है, बूट स्पेस कम कैसे हो गया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मारुति की इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन करते हैं। एक और चीज़ कि एक मुझे ग्रैंड विटारा में जो पीछे वाली जो साइड है उसमें जो बीच में हम्प आता है, जो पैसेंजर को, जो बीच वाला पैसेंजर होता है उसको बैठने में दिक्कत होती है, वो सेम हम्प मुझे फ्रॉन्क्स में भी देखने को मिल रहा है। तो वो सही में बता रहा हूँ, जो हम्प है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बनाता है बीच वाले पैसेंजर के लिए, तो उसका पैर उठ जाता है जिस वजह से बहुत कंफर्टेबल नहीं बैठता है बिल्कुल भी राइड में, और वही मुझे लग रहा है फ्रॉन्क्स के साथ भी वही सेम दिक्कत करी है आप। तो अगर मैं बात करूँ हमारे फ्रॉन्क्स में टायर्स की, तो उसमें टायर हमें मिलता है 195/65 R16 सारे मॉडल्स में, 16 इंच के टायर सिग्मा से लेकर आपको अल्फा तक के मिलेंगे। वहीं बात करूँ मैं बलिनो की, तो बलिनो में जो आपके सेक्शन साइज है वो 15 इंची का तक, बीच वाले मेरे ख्याल से डेल्टा तक, और जेटा और अल्फा में 16 इंची के टायर जाते हैं। जो सेक्शन साइज है वो मेरे ख्याल से 185/65 है, अगर मैं गलत हूँगा तो स्क्रीन पे आपके लिख कर आ जाएगा। सारे इतने स्पेक्स एकदम से याद करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। और बात करूँ मैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो क्योंकि एक और चीज़ की जो फ्रॉन्क्स है उसमें दो पेट्रोल इंजन आएंगे, 1.2 लीटर भी आएगा, 1 लीटर जो टर्बो बूस्ट इंजन है वो भी आएगा, तो इस वजह से फ्रॉन्क्स जो है वो बलिनो से अलग हो जाती है। क्योंकि बलिनो में क्या है, वही 1.2 लीटर जो इंजन चलता आ रहा है वही आ रहा है, तो उसमें जो क्या होता है थोड़े से जो एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स होते हैं, वैसे तो क्योंकि मारुति का वेट कम होता है, कर्व वेट, तो उस वजह से 1.2 लीटर भी काफ़ी मस्त होता है ड्राइवर्स के लिए। बट मारुति ने फ्रॉन्क्स में ऑप्शन दिया है कि अगर आप थोड़ा सा और पंच चाहते हैं, थोड़ा सा और आपको मज़ा चाहिए, तो आप हमारा 1 लीटर टर्बो बूस्ट इंजन अपनी गाड़ी में लो, जो कि इन्होंने एक बीच में एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया डेल्टा प्लस नाम का। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा प्लस नाम का एक वेरिएंट ऐड कर दिया है जो बलिनो में नहीं आता, बलिनो में सिग्मा डेल्टा जेटा और अल्फा आता है, बट इसमें आपको सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस जेटा और अल्फा देखने को मिलेगा। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वहां से आपका 1 लीटर का टर्बो बूस्ट इंजन देखने को मिलता है। डेल्टा प्लस में आपको 1.2 भी मिलेगा, 1 लीटर मिलेगा, बट आपको जो जेटा और अल्फा है फ्रॉन्क्स में उसमें आपको केवल और केवल 1 लीटर देखने को मिलेगा, उसमें आपको 1.2 लीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यही सब रीजन है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि फ्रॉन्क्स जो है वो उन बायर्स के लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, या फिर उन बायर्स के लिए मोस्टली है जो मारुति की गाड़ी चाहते थे, बट मारुति की गाड़ी वो ग्रैंड विटारा नहीं परचेस कर पा रहे थे, और ब्रेजा भी, क्योंकि जो ब्रेजा का अच्छा वेरिएंट है वो मेरे को लगता है ब्रेजा का ZXi वेरिएंट है, वही अच्छा है, बाकी तो मुझे लगता है कि बहुत फीचर्स कम है, तो वो लगभग 1250-1280 का जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन बायर्स के लिए जो बलिनो के प्राइस पर, जो बलिनो का जेटा वेरिएंट आता था उस प्राइस खर्च करना चाहते थे,
बट वो चाहते थे कि एसयूवी मिल जाए, वो भी मारुति की मिल जाए ताकि हमें एवरेज मिल जाए। तो उन बायर्स के लिए फ्रॉन्क्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के लिए। अप्रैल तक आपको मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉन्क्स देखने को मिल जाएगी। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी और बाकी फीचर्स वगैरह आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑटोमेटिक फॉलो मी लैम्प्स जो हैं वो आपको डेल्टा वेरिएंट से देखने को मिल जाते हैं। वहीं आपको बलिनो में एक एक वेरिएंट पीछे पीछे देखने को मिलेंगे। तो मैं मेरे हिसाब से जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो फ्रॉन्क्स का होने वाला है वो डेल्टा प्लस होने वाला है। सारे फीचर्स हैं और एक और चीज़ कि आपको सारे ही वेरियंट्स में 16 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं फ्रॉन्क्स के बारे में। क्या ये मारुति का अच्छा मूव है और क्या ये टाटा पंच, निसान की मैग्नाइट और रेनॉल्ट की काइगर इन सबको टफ कंपटीशन दे पाएगा। साथ ही साथ क्योंकि 8-9 लाख रुपए में वेन्यू भी आ जाती है तो वेन्यू भी एक कंपटीशन हुआ। साथ ही साथ एक्सयूवी 300 भी ये सब कंपटीशन ही है। अब तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं और भी कार से रिलेटेड आप बता सकते हैं। और एक और चीज़, हम लोग ऑटो एक्सपो 2023-15 तारीख को जा रहे हैं तो आपके लिए चैनल पर भर भर के वीडियोज आने वाली हैं, भर भर के जितनी गाड़ियाँ सबका वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग। तो कोई भी डाउट हो आपका आप कमेंट सेक्शन पोस्ट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे ऑल अबाउट कार चैनल पे। एक और चीज़ की जो ऑल अबाउट कार चैनल है वो एक रजत टेक जो हमारा टेक चैनल है उसका एक सब पार्ट है। तो आपने जो प्यार उसको दिया वो प्यार इसको दे सकते हैं। और अगर आप लोग रजत टेक से नहीं जुड़े हुए तो उसका भी लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे आपने उसको प्यार दिया आप ऑल अबाउट कार चैनल को भी प्यार दे सकते हैं। इस रूप में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिखी स्माइलिंग की ब्रॉकिंग एंड बाय।